गेंद को साइन देने की कोशिश, क्योंकि साइन देके गेंद में जो स्विंग होती है, मूवमेंट होती है, उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। सामने रोहित तोड़ना चालू किया अंकित ने, बढ़िया गेंद, एक था भाई, मौका छोड़ दिया यहाँ पर अजयपाल चौहान ने। कैच लाजवाब कैच हो सकता था, वीवो परफेक्ट कैच ऑफ द मैच हो सकता था। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा सुनील चौहान जी से कि आगे का आप देखिए हाल आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे सुनील चौहान जी। कोई नहीं, धन्यवाद रोहित। एक बार सभी को फिर व्यक्तिगत सुनील चौहान की तरफ से नमन, सूर्यदेव को भी नमन करते हुए, माँ हवा देवी को नमन करते हुए, सभी खेल प्रियमों को एक बार अभिनंदन, स्वागत है, धन्यवाद। ले चलता हूँ आपको हवा देवी ग्राउंड की ओर। बढ़िया गेंदबाजी हो रही है अभी तक ईस्ट टाइगर फाउंडा की तरफ से, बढ़िया गेंद थी, लंबाई की गेंद थी, समझ नहीं पाया मिसफील्डिंग, पहला रन काफी तेजी के साथ देखा होगा, दूसरा ले पाता है नजर नहीं, और एक ही रन थे यहाँ पे संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। इस एक रन के साथ स्कोर हल्का सा आगे बढ़ता हुआ, तो स्कोर बोर्ड और एक अतिरिक्त आता हुआ, तो दो रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन, थाना धुमाकोट। आज बिल्कुल गेंदबाजी लाइन टू लाइन रखी है इल्ट टाइगर भोंडाना ने थाना धुमाकोट के लिए। अंपायर की बात करो तो मुख्य अंपायर की भूमिका में बिमलेश नोगाई, और इस बार लग की अंपायर में राकेश रावत जी, पॉइंट के ऊपर खेला हुआ शॉट था, मौका था वहां पर रन लेने का, और आसानी के साथ एक रन जुटाया। इस एक रन के साथ हल्का सा स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन, छठा ओवर शायद प्रगति पर चलता हुआ अंकित द्वारा, शांत क्रिकेट चलता हुआ माँ हवा देवी के इस ग्राउंड में। एक बार फिर तैयार, इस बार किसी भी तरह उन साइड में गेंद को धकेला था, मौका था, बड़ा गैप था, इस बीच दोनों ने अपना शॉट चेंज किया और स्कोर को 30 रन पहुंचा दिया। अगर कहीं ना कहीं 60-65 रन आ जाते हैं तो बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिल सकती है थाना धुमाकोट की तरफ से, मगर उससे बढ़िया बल्लेबाजी हिल्स टाइगर फोंडाने के पास, बढ़िया बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। एक बार चले, बढ़िया गेंद, हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट, रन से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को, और इस एक रन के साथ 31 रन स्कोर बोर्ड। अभी छठे ओवर की एक गेंद आनी बाकी थी, बढ़िया गेंदबाजी अंकित द्वारा भी अपने पारी के लिए, अपने टीम के लिए, सारे खिलाड़ी बिल्कुल डीप बाउंड्री लाइन के नजदीक लगा दिए गए हैं हिल्स टाइगर फोंडाने की तरफ से, कि अगर कोई बड़ा प्रहार किया जाता है थाना धुमाकोट की तरफ से, अभी तक नहीं आ रहा भाई, और तो कैच आउट के रूप में लिया जाए, खेल रहे हैं इस बार, बड़ा गैप और 4 रन जिसकी जरूरत थी फिलहाल, वो रन आते हुए, और ड्रेसिंग रूम से थोड़ा सा रोहित का वहां पे स्वागत किया, किसी तरह से बल्लेबाजी करे और तेजी से स्कोर अब लय पकड़ता हुआ 35 रन, लाइन से भटके थे फिलहाल वहां पे गौतम, फैन लेग की दिशा में हल्का सा टच किया था गेंद को और एक बड़ा गैप था, अब थोड़ा सा कविंदर को नजदीक लाया गया वहां पे फैनलेग की दिशा में, इस बार पॉइंट के ऊपर से और गेंद अभी भी अंदर, सत्याल से वहां पे बढ़िया क्षेत्र रक्षण, पॉइंट के ऊपर स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला हुआ शॉट था, वन बाउंस जा रहा था और सीधा क्षेत्र रक्षण से वहां पे, और स्कोर तेजी से अब लय पकड़ता हुआ 36 रन, पारी खेले थे 54 रन की, जबरदस्त पारी खेली थी राकेश रावत द्वारा, और टीम को अकेले जिताया था उन्होंने, तो ढेर सारी शुभकामनाएं व्यक्तिगत रूप से, और आयोजन समय दिखाता हुआ लेके आए गौतम, क्योंकि कोटे का पहला ओवर है उसका। एक बार तैयार, ओ इस तरह पॉइंट के बीच में तक गैप, और भाई उसके नीचे बढ़िया गेंद, बढ़िया क्षेत्र रक्षण, एक ही रन से संतुष्ट, मुश्किल से वहां पर दो चौके बचाए हैं भाई ने, इसमें कोई दोहरा ही नहीं, गिरी जाइए ये फाइनल ये ले जाएगी तो कमल जाएगी, सात ओवर अभी भी प्रगति पे, इस बार गगन चुंबी कमलपुर को भी टरका देगी, इतने खतरनाक बॉलर इनके पास, तो बड़ा ओवर मैं जिस ओवर की बात कर रहा था थाना धुमाकोट के लिए, वो ओवर आता हुआ फिलहाल हमारे भाई और जीत पर लगातार, अब स्कोर बोर्ड 44 रन, तेजी से मैं बता रहा था कि कहीं 50 क्रॉस कर जाए सातवें आठवें ओवर में, तो एक बड़ा रन दे जा सकता है, इसमें कोई दोहरा नहीं, लीजिए साहब एक और शॉट ऑन साइड में लॉन्ग ऑन की दिशा में, और जब तक गेंद क्षेत्र रक्षण होता इस बीच रन लेने का वहां पे मौका था, और एक और रन जोड़ा अपने टीम के लिए और अपने लिए, ओवर की भी समाप्ति,
बढ़िया ओवर आया है ये फिलहाल थाना दुमाकोट के लिए, 45 रन 7 ओवर की समाप्ति में फिलहाल लग गई तो लग गई क्योंकि बड़ा मुकाबला है। अग्नि परीक्षा चलते हुए फिलहाल गेंद को धकेला था पॉइंट और कवर के बीच में से खेला हुआ शॉट था, मौका था पर रन लेने का और आसानी के साथ दोनों ने अपना शॉट खेल दिया और स्कोर को पहुंचा दिया। कैसे पहुंचाएंगे लोग यार, कैसे और दे तो मजबूर है खेलते हैं। एक बार तैयार है रोहित, रोहित भी एक चौका मार चुके अपने पारी में, इस बार किसी भी तरह लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को धकेला और एक ही रन के वहां पे संतुष्ट क्षेत्र रक्षक थे वहां पे। 47 रन स्कोर बोर्ड, कल के मुकाबले भी बड़े रोमांच रहे थे और आज तो उससे बेहतर मुकाबले देखने को मिल रहे हैं फिलहाल। ओ फ्लोर वन गेंद थी, उठाने का प्रयास किया था वहां पे परसान द्वारा और कामयाबी प्राप्त हुई और एक लंबा और ऊंचा छक्का आता हुआ मिड विकेट और मिड ऑन के ऊपर से लंबा छक्का परसान के बल्ले से 53 रन स्कोर बोर्ड बना दिए रविंद्र ने, तो काफी राहत मिली होगी। एक बार तैयार चले फिर, इस बार फिर लंच बैठ गए वहां पे मिसफील्डिंग हुआ 4 रन के लेकिन वाह भाई वाह 5 रन आते हुए हिल्स टाइगर यहां पे थोड़ा सा बैक फुट पे विकेट कीपर गैदर नहीं कर पाए थे जिस कारण वापसी जाना पड़ा। बैक फुट पे धकेला था अजयपाल को और थर्ड मैन भी वहां पे मिस कर गए थे जिस कारण से मात्र 5 रन महत्वपूर्ण 5 रन जुड़े वहां पे और इन 5 रनों के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 58 रन तेजी से अब लय पकड़ता हुआ। 8 ओवर अभी भी प्रगति पे फिलहाल फिलहाल चले बढ़िया गेंद बढ़िया सम्मान दिया बढ़िया वापसी गेंदबाज द्वारा। छह ओवर में मात्र 31 रन था स्कोर बोर्ड, 7 ओवर में 45 रन और आप देखिए आप बढ़िया गेंद इस बार फ्लोर ऑन गेंद थी वाइट टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई और एक बड़ा वाइट आता हुआ स्कोर बोर्ड तेजी से लय पकड़ता हुआ 65 रन बढ़िया रन आते हुए थाना धुमाकोट के लिए। 8 ओवर पर गए, 2 बड़े ओवर आने बाकी अभी शेष। एक बार फिर इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था पॉइंट के बीच में से गेंद को धकेला था रन से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को और 60 रन इसी के साथ अभी भी 8वां ओवर प्रगति पर चलता हुआ। बढ़िया बल्लेबाजी अब दोनों बल्लेबाजों द्वारा रोहित हो चाहे प्रशांत हो लगातार रोटेट कर रहे हैं स्कोर बोर्ड को और जहां मौका मिल रहा है बाउंड्रिया भी लगा रहे हैं वहां पे जिसकी फिलहाल जरूरत थी वहां पे थाना धुमाकोट को। फिर से टाइगर फॉन्डांडा थोड़ा सा अपने वो इस बार बड़ा शॉट गौतम उसके नीचे और कैच छूटा 4 रन 1 बॉल शॉट का आता हुआ तो बड़े रन आ गए भाई।